एवरीवन, वेलकम टू मिस आनंद। और आज मैं आपको अपना सबसे फेवरेट वीडियो दिखाने वाली हूँ, मतलब व्हाट्स इन माय ट्रैवल बैग। तो पैकिंग के सबसे पहले हमारी लिस्ट में है बैग। ये है मेरा ट्रैवल बैग। और आप सोच होंगे ये अनाया की तरह दिखता है ना? ये असलियत में मेरा। तो सबसे पहले लिस्ट में बैग हो गया। और अब नंबर टू है मैट बिछाना। तो ये मेरी बारहवीं वाली मैट और अब मैं इसको बिछाने वाली हूँ। इसमें अपना ट्रैवल बैग रखूंगी तो दैट इज माय स्क्रैचेस लाइन। तो सबसे पहले मैं आपको अपना बहुत सारा सामान दिखाऊंगी जो मेरी मम्मा और मैंने और दादी ने ऐसे ट्विस्टर है। हाँ, चलो जल्दी रखो। तो नंबर वन पे है मेरी ड्रेस, फिर है मेरी फुल स्लीव और हाफ स्लीव टी शर्ट, तो ये है मेरी लोअर्स और इसमें कुछ टॉप्स भी है। तो हम लोग बहुत ठंडी वाली जगह पे जा रहे, तो अगर चिली हो गया थोड़ा सा तो एक बहुत मोटी सी रेड जैकेट, ये मेरी स्वेटर जो मुझे बहुत जरूरत पड़ेगी, तो ये है मेरी फुल स्लीव वाली जीन्स स्टॉकिंग और जो नीचे पहने के मोटा वाला पजामा, तो इसमें मेरे अंडरगार्मेंट्स, सॉक्स और ग्लव्स और कैप। तो ये है मेरी मेडिसिन का पाउच है। तो और ये है उनका पेपर जिसमें सारे रोटी। ये है मेरी एक्सेसरी जिसमें जैसे कि क्लिप्स और हैड वेयर है। ये मेरी टॉयलेट्रीज है जैसे कि बॉडी लोशन है और कोलगेट है, मेरा ब्रश है और शैम्पू। और मैं और मम्मा सेम यूज करती है तो शैम्पू मम्मा के सूटकेस में जाएगा। तो ये है मेरे सनग्लासेस और इसमें थोड़ी सी जगह है तो हम लोग कुछ और भी रख सकते हैं बाय इमरजेंसी अगर हमें कुछ रखना होगा। तो ये है मेरे बैग जो मैं कैरी करूंगी। ये मेरा ब्लू बैग है और ये मेरा कलरफुल एल्साना का बैग है और ये भी मेरे मम्मा के ही सूटकेस में जाएंगे अगर जगह नहीं हुई तो। ये मेरे शूज है, तो ये एक बहुत कंफर्टेबल ब्लू शूज है और ये रेड शूज है। जब मैं जब कहीं भी जाऊँ जैसे गार्डन लैंड जाऊंगी तो मैं इसमें रन कर पाऊँ और मैं इसमें चल भी पाऊँ कंफर्टेबली। और एक टिप है आपके लिए, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप प्लीज कंफर्टेबल शूज ले जाओ, नए मत ले जाओ मेरे। और अगर पार्टीज हो तो बस एक जोड़ी ले जाओ। तो मेरे भी एक है पार्टी वेयर शू, वो मैं बाद में रखूंगी क्योंकि उसकी जरूरत भी हो सकती है। और ये रहा मैं एक बैग जिसमें मैं अपने सारे शूज रखूंगी और वो मैं एक बैग में जाएंगे शूज वाले। अरे आराम से यार। तो ये है मेरे सूट के साथ अल्टीमेट कपड़े। तो ये है एक DIY केफ्री जिसको मैंने और मेरी दादी ने मोती से सजा दिया है। एक बहुत सिंपल सी अच्छी सी जीन्स को हमने स्टाइलिश कर दिया। यो रॉकेबल। तो मैं ये भी लेके जाऊंगी, मैं लास्ट में रखूंगी। और ये टॉवल रखना तो आप भूल ही गई। तो ये कैसा था? तो ये है मेरा टॉवल जो मुझे चाहिए, तो फोल्ड कर देती हूँ। मैं दो चीजें रखना भूल गई, एक तो ये उल्टा पुल्टा जो मैंने पहना है, सनी कॉस्ट्यूम, मेरी डॉल्स में जो डॉल हाउस पड़े हैं, जो डॉल हाउस में डॉल्स पड़े वो तो ले जाए नहीं पड़ेंगे ना, तो पहले इसको उतारो आओ। ये है मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम, मैं ये छोटी डॉल्स ले जा रही हूँ क्योंकि ये जगह कम लेंगी। तो अब शुरू करते हैं पैकिंग। तो इतने सारे सामान को ऐसे घुसाना पड़ेगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो आप एक बात तो जरूर याद रखिए, अगर आप कहीं ट्रैवलिंग जा रहे तो ऊपर अपना टॉवल और मेडिसिन सबसे ऊपर रखा करे, क्योंकि अगर कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इमरजेंसी में पर्स से निकाल लेंगे। ये मैंने बैग खोल लिया और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं ठंडी वाली जगह सबसे लास्ट में जा रही हूँ, तो मैं अपनी रेड जैकेट सबसे लास्ट में रखती हूँ। आपको पता है मैंने सारी चीजें पॉलिथिन में क्यों रखा है, क्योंकि दिखते भी जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, ये गंदे भी नहीं होते और ये फैलते भी नहीं है। तो फिर हम लोग निकर टी शर्ट और अपने पजामा रखेंगे, फिर मैं अपनी स्वेटर्स रखूंगी। तो अब हम लोग रखेंगे स्टॉकिंग्स, जीन्स और एक मोटी वाली लेगिंग, और इधर मैं रखूंगी सन गॉगल्स, और फिर मैं सबसे ऊपर रखूंगी अपनी मेडिसिन, अपने टॉयलेट्रीज, अपने एक्सेसरीज और अपनी जॉल। मैं अपनी हैंडबैग रखूंगी अगर वो फिट होए। अब हम लोग अंडरगार्मेंट्स रखेंगे और टॉप। शूज कौन रखेगा? मामा शूज नहीं आ रहे तो मत ले जाओ। मामा हाँ, कितने प्यारे हो आप, अपने बैग में मेरे शूज रख देना। अब शूज रख रहे हो तो बैग ही रख लो। आप मत ले जाओ ना बैग। अरे ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं मैं लेके जाऊंगी। अच्छा, ओके। मैंने अपना थोड़ा सा सामान मम्मी को चिपका दिए, और पापा मैंने मम्मा से कहा कि पापा के तो कम कपड़े हैं, पापा के चेहरे पर तो बड़े कपड़े, आपकी तो बड़ी पतली पतली कपड़े। अभी ना मुझे ना जल्दी से ये पैक कर लूंगी, ये बंद हो जाए। हे भगवान, मैं इसको बंद कर देना, नहीं तो मम्मा मेरा कोई सामान कम कर देगी। मैं बंद करूं क्या, दिखाऊंगी इसको। Thank you for the help. Yay! हो गया। I have मुश्किल से हुआ, लेकिन ये बहुत भारी है। हो गया। तो ये था मेरा travel bag, मेरा travel bag routine। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे comments, subscribe और like कर देना, और comments में ये जरूर बताना कि आपको मेरा next vlog जो होना है ना यूरोप जाने का, आपको चाहिए या नहीं। तब तक मैं मिलती हूँ अपने next video में। बाय बाय। चलो हो गया। मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, आप वीडियो पर पहुंच जाएंगे। बाय बाय।